टूडे गई लाइको इन दिवियस वीडियो दिसीन टू दिस पब्लिक आई पीओके एंडोरिटी ऑन द इंटरफेस जोस था विच इज माई इन साइड इंटरफेस तो इस इंटरफेस परिफाइन करा था हंड्रेड जो मेरा आउटसाइड इंटरफेस था ज दिक्योरिटी लेवल जीरो जब भी आपका ट्राफिक इनिशियट होगा फ्रॉम हायर सिक्योरिटी टू लोअर सिक्योरिटी ओके ये आपका ट्राफिक क्या है बाय डिफोल्ट क्या है सारा क्या परमिट हो, होगा एंड इसका रिटर्न ट्राफिक अलाउ होगा बिकॉज ऑफ स्टेट फुल टेबल होके तो इस केस में गई लाइक वन लाइक वेन यू कन्फिगर द ए सी एल ओके तो ए सी एल इस फीचर को क्या कर देती है ओवर राइड कर देती है जो आप ए सी एल में क्या आपका परमिट होगा रेस्ट ऑफ ट्राफिक क्या होगा ड्रॉप होगा तो उस केस में जो आपका ये सिक्योरिटी लेवल का जो फंड है वो बेसिकली क्या ओवर राइड हो जाता है तो जो जो आप ए सी एल में ट्राफिक परमिट करोगे सिंपली वही ट्राफिक है आपका परमिट हो जस्ट लाइको आईओ एस गाइज जब हम ए एस ए फायरवर्ड पे क्या है ए सी एल कनफिकर करते हैं सेम वे एंड मेनली गाइज लाइको ए एस ए फायरवोड पर क्या है हम एक्सटेंडेड ए सी एल यूज करते हैं एंड इफ यू रिम्बर गई लेकिन आई ओ एस लाइक जब हम ए सी एल कन्फिकर करते थे वी विल यूज द वाइल्ड कार्ड मास्क बट इन सिसको एस ए गाइज हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज नहीं करते जो वाइल्ड कार्ड गाइज मास्क है ये आपका ए एस ए फॉरवर्ड का सपोर्ट नहीं करता चाहे आप लाइक ओ एस पी एफ की कंफिग्रेशन कर रहे हो सिसको ए एस ए फॉरवर्ड पे चाहे आप ई एस जी आर पे कन्फिगर कर रहे हो और चाहे आप एक्सेस लिस्ट कन्फिगर कर रहे हो सो हे गई लाइक वी विल आप लाइक ए सी एल सो इस फ्रॉम दिस पी सी गई लाइक अब इस पी पे क्या है सब कुछ ओपन है आपका सो फॉर दिस डेस्टिनेशन गाइज लाइक से गई मैं क्या कर रहा हूं एक ए सी एल कन्फिगर कर रहा हूँ इस इंटरफेस के ऊपर इन बाउंड और ले गई लैक एस पर द रिक्वायरमेंट मैं पोर्ट ट्वेंटी थ्री का ट्राफिक है अलाउ कर रहा हूँ और रेस्ट ऑफ ट्राफिक है मैं ब्लॉक कर रहा हूँ फ्रॉम दिस मशीन ओके फर्स्ट गे लाइक आई विल शो यू लाइक हाउ वी द एक्सेस लिस्ट Or then my access list ko my karunga, my apply karunga inbound is interface pay, inside the interface. Pay, okay. So let let me like show you like how we configure the access list on Cisco asa firewall. So this is like, like similar like a Cisco iOS. Okay. So in this case like, first, like let's so this is my ASA firewall. So like first give me define access list. And if you use the question mark, guys. लाइक यहाँ पे क्या है लाइक इन सिस्को आईओ एस लाइक वी हैव अ नेम और नंबर ए सी एल क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे सिंपली एक्सेस लिस्ट है उसके बाद जो भी आप डिफाइन करोगे चाहे वो नेम है वो नंबर है बेसिकली दैट इज इक्ल टू द नेम ए सीएल नेम जो आप डिफाइन कर सकते हो आप नंबर भी डिफाइन कर सकते हो और आप नेम भी डिफाइन कर सकते हो इन द रियल वर्ल्ड गई लाइक ऑलवेज हम क्या नेम यूज करते हैं नेम okay, यहाँ पे मेरे को क्लैरिफाई करेगा ये ए मैंने कहाँ पे अप्लाई कर रखी है तो so, इस केस में जो मैं नेम डिफाइन कर रहा हूँ इन साइड अंडरस्कोर इन बाउंड इन साइड इंटरफेस पे जो मैं ए अप्लाई कर रहा हूँ मैं इन बाउंड कर रहा हूँ उसके बाद सिंपली लाइक परमिट लेस देख लाइक एज पर अवर रिक्वायरमेंट ओके फ्रॉम दिस पी सी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट हंड्रेड अगर so, आपके पास सिंगल आईपी है तो आप यहाँ पे होस्ट डिफाइन कर सकते हो और डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन आईपी ओके सॉरी सो परमिट आईपी होस्ट लाइक फर्स्ट गेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप स्पेसिफिक सर्विस अलाउ कर रहे हो आईपी मीन गाइस क्या होता है और सो so, इस केस में गई लाइक फर्स्ट मेरे को क्या है सिंपली टीसीपी पोर्ट ट्वेंटी थ्री क्या मेरे को अलाउ करना है

तो के आप क्या यूज करोगे टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव ओके दे क्यू ट्वेंटी थ्री ये मेरी क्या फर्स्ट एक ए की एंट्री क्या है क्रिएट हो गई है सिंपली गाइस आप चेक कर सकते हो शो रन एक्सेस लिस्ट दिस इज अ कमांड गाइस लाइक यू सी लाइक वी हैव क्रिएट वन ए एंट्री सो इस केस मेंिस इज अस दिसके बाद ये आपको अप्लाई करना है आपके इंटरफेस के ऊपर वी लाइक गो टू द अंडर द इंटरफेस ओके उसके बाद क्या है हम ए सी एल अप्लाई करते थे बट इनसेको फायर गाइड लाइक द्लोबली सो लाइक एक्स ग्रुप

यहां पे गई लेकिन सिंपली मैं इन बाउंड में ए लगा रहा हूं अपने इस इंटरफेस पे ओके सो वी हैव अ राइट नाउ टू इंटरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड तो मैं इस इंटरफेस पे क्या ए क्या कर रहा हूं मैं अप्लाई कर रहा हूँ सो दैट मीन गई क्या अब हमने इस इंटरफेस के ऊपर क्या ए डिफाइन कर दी हैव अप्लाई वन ए सी एल इन बाउंड ओके अब सो लाइक लाइक पहले क्या क्या हो रहा था like, था था इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल तो जो भी लाइक like, इस इंटरफेस इंटरफेस से आउटसाइड right like, तो like, आपका ट्राफिक है ए इस केस में परमिट होगा सिर्फ वही ट्रैफिक ही पास होगा एज बी ना होगा ए सी एल क्या करती है बाई डिफॉल्ट लाइक वी हैव सिंगल एंट्री रेस्ट ऑफ ट्रैफिक आपका क्या होगा इंप्लीसिटी डिनाई ऑल होगा तो इसकेस में गाइज लाइक जो ए है सिर्फ ए की सर्विस अलाउ करेगी विच इज पोर्ट नंबर 23 ओके सो इफ वी चेक दिस चेक दिस लाइक फ्रॉम द एंड मशीन अगर मैं इस एंड मशीन से पिंग करता हूँ पिंग ए ओके okay. तो इस केस में के लिए मेरे पास क्या पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा द रीजन गाइज इफ यू सी ये पैकेट so, like, okay? like, uh, okay? तो क्या आपका फायरवर्ड क्या ड्रॉप कर रहा है लॉग मैसेज ओके लाइक लास्ट टाइम आई शो यू एस पे आपको कोई डी वर्ग इनेबल करने की जरूरत नहीं है एवरी पैकेट विच इज हिटिंग द फायरवर्ड ओके तो उसके लिए क्या आपका लॉग मैसेज जनरेट होता है एंड यू कैन सी गाइ सिंपली यहाँ पे क्या है आपका जो आई ट्रैफिक है वो क्या डिनाई हो रहा है इस केस में लाइक आपकी जो सर्विस अलाउ होगी ओनली ट्वेंटी थ्री ओके सो लेट लेट टेलेट कनेक्टिविटी सो टेलेट एट डॉट ए डॉट एट नी का टेलेट हमारा क्या ओपन हो रहा है एंड सिंपली गाइस इफ यू सी द आउटपुट ओके शो एक्सेस लिस्ट सो तो इस एसीएल एंट्री पे गाइज मेरे पास क्या हिट काउंट आ रहा है ओके, okay? क्या है? Hit कर रहा है इस एसियल एंट्री को डिफरेंस ओके लाइक अर्लियर आई रन द कमांड ओके शो रन लिस्ट एंड शो लिस्ट ओके इन दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है, like है गाइज ये आपको शो करेगा आपने कौन कौन सी क्या है मतलब रनिंग कन्फिगेशन में ए की एंट्री क्या है जो सेकेंड कमांड है कितने हिट काउंट आ रहे हैं ओके सो रिपीटिंग टू कमांड लाइक शो रन लिस्ट दिस विल शो यू लाइक व्हाट आर दंफिगेशन

दिस इज नॉट अ वेरिफिकेशन कमांड ओके तो ये गाइज मेरे को ये नहीं दिखा रही लाइक like, इस ए सी एल एंट्री पे कितने हिट आए हैं ओके एंडर वे अदर कमांड गए यू शो एक्सेस एल दिस शो यू लाइक हाउ मेनी हिट काउंट टू दिस एक्सेस एंट्री ओके सो राइट नाउ गाइज लाइक यू सी वी हैव अंगल एंट्री जो कि सिंपली टेलर सर्विस को क्या अलाउ कर रही है And by default, the rest of है, आपका डिनाई होगा एंड इज ब्रोक लाइन नंबर वन सो जैसे जैसे आप नई एंट्री एड करते रहोगे वो क्या है इसके नीचे प्लेस होती रहेंगी केस like, अगर आपको कोई नई ए सी एल एंट्री बनानी है और वो आपको क्या है टॉप पे प्लेस करनी है सो so, उस केस में लेकिन वी आर क्रिएटिंग वन न्यू ए सी एल एंट्री जो कि हमें क्या है आईसीएमपी का है अलाउ करना है तो तो उस केस में ये आप क्या लाइन नंबर यूज़ करोगे तो लैसे गए, like, I'm, I'm एक नई एंट्री और मेक श्योर sure जो, जो न्यू एंट्री है वो क्या टॉप पे क्या प्लेस होनी चाहिए एक्सेस लिस्ट लेकिन जो नेम है वो सेम ही आएगा क्योंकि नेम हमने एक ही आ, बार हम अप्लाई करते हैं ओके okay? तो आपको जस्ट क्या एंट्रीज ऐड करनी है एज पर यूजर रिक्वायरमेंट होगी जैसे जैसे यूजर कहेगा लाइक मेरी ये सर्विस ओपन कर दो मेरे को पिंग अलाउ करना है मेरे को अलाउ करना है एज पर द रिक्वायरमेंट होके हम क्या करते हैं नई एंट्रीज क्या बनाते रहते हैं सो so इस केस में गए इन साइड इन दिस इज इज आई वॉन्ट टू क्रिएट द न्यू एंट्री तो उस एंट्री को गाइस क्या है? मैं टॉप पे क्या प्लेस करना चाहता हूं आई विल यूज अ सीक्वेंस नंबर लाइन नंबर वन सो इस केस में गाइस क्या होगा अगर आप इस नई एंट्री के लिए अगर आप लाइन नंबर यूज कर रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग लाइन नंबर वन है उसका अपने आप ही क्या लाइन नंबर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ओके okay? तो इस केस में गाइस लेट्स सी आई वांट टू नाउ परमिट द आईसीएम ट्रैफिक फ्रॉम होस्ट वन एटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट हंड्रेड एंड डेस्ट आई पी ए डॉट ए डॉट एट इस में अगर मैं दोबारा पिंक की कनेक्टिविटी चेक करता हूं इसी कहीं ले कर रहा हूं वी आर एबल टू पिंक दिस आई पी एड्रेस ओके एंड इफ यू सी दी एलो के शो एक्सेस लिस्ट राइट ना हो गई लाइक सो सी जो आईसीएम की जो मेरी एंट्री थी वो क्या टॉप पे प्लेस हो गई और जो है इसका क्या? टू हो गया बाय डिफॉल्टोर पैकेट पिंक के, के भेजे थे फोर तो पैकेट क्या है इस एसीएल एंट्री को क्या है ट्राफिक मेरा क्या है हिट हो रहा है ओके okay? आप येल की एंट्री क्या कन्फिगर करते रहोगे रूल ओके तो सिर्फ को फॉरवर्ड में गाइज हम इसको क्या बोलते, है? बोलते हैं रिक्वायरमेंट so गाइज क्या हम एक्सेसलिस्ट कन्फिगर करते रहते है स में गाइज जनरली गाइज लाइक पीपल दे ऑल्सो कंफिगर द लास्ट एंट्री विच इज डिनाई आई पी एनी एनी टू जस्ट लाइक चेक द हिट काउंट ओके बट एज बी नो गाई लाइक अगर आप ए सी एल में लास्ट में क्या होता है आपका इंप्लिसिटी डिनाई ओल होता है जस्ट लाइक अस्को आयो एज ओके एंड मेक श्योर गाइज जो आप एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो आपके क्या उसी ट्रैफ़िक को इंपैक्ट करेगा जो कि फायरवॉल के क्या थ्रू होके जा रहा है so, remember, लेकिन राउटिंग स्विचिंग होके जो ट्रैफ़िक थ्रू होकर जा रहा है थ्रू दिस बॉक्स इस ट्रैफिक को गई हम क्या बोलते हैं डाटा प्लान ट्रैफिक बोलते हैं और से गए अगर आप फ्रॉम दिस पीसी अगर मैं पिंग कर रहा हूँ फायरवर्ड के आईपी एड्रेस को विच इज टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन अगर ये मशीन पिंग कर रहा है फायरवर्ड को तो इस ट्रैफ़िक को कैसे हम क्या बोलते हैं कंट्रोल प्लान ट्रैफ़िक होगी ये जो ट्रैफ़िक है ये फायरवोर्ड के लिए है ये ट्रैफ़िक क्या फायरवर्ड के थ्रू नहीं है लाइक like जो ए सी एल इट इज यूज टू ओनली फिल्टर द डाटा प्लान ट्रैफिक हो के. वट आई मीन बाई दैट लेस से गई अगर आप अगेन मैं आईसीएम ट्रैफिक को क्या कर, कर रहा हूँ मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो इस केस में गई अगर हम ए डोट ए डोट को पिंग करेंगे वो case, guys, को पिंग तो वो कनेक्टिविटी क्या आपकी डिनाई होगी बट इन केस गई अगर आप फार्म के आईपी को पिंग करोगे तो वो कनेक्टिविटी क्या आपकी थ्रू होगी होगी फर्स्ट गाइड रखिये उन लेट्स से लाइक द जो एंट्री जो हमने क्रिएट करी है आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ करने के लिए तो सिंपली गाइस अगर आपको कोई भी चीज रिमूव करनी है देयर इज टू वे ओके ऑन सिस्को वी एस आर वो वन इज लाइक सिंपली जैसे सिस्को आईओएस में क्या था जिस जिस कमांड को हमने रिमूव करना था उसके आगे हम नो लगा देते थे लेट्स से गाइस अगर आपके पास 100 एंट्रीज हैं अगर आपको

केस में गई जब आप रिमूव करोगे मेक श्योर यू रिमूव दिस लाइन नंबर नंबर आपको यूज नहीं करना सिंपली गई लाइक जो आपकी कन्फिगेशन है इसको मैंने क्या कर दिया रिमूव कर दिया अदर कमांड गई लाइक आई फैस शो यू ले इस ए सी एल के अंदर हंड्रेड लाइन है हंड्रेड एंट्रीज हैं तो आपको कंप्लीटली एसीएल को रिमूव करना है so है तो आपको list का नाम करना है। If you press enter, guys, इस command से क्या होगा? जितनी भी इस ए में एंट्रीज होगी सारी आपकी एंट्रीज क्या रिमूव हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली क्लियर कंडर एक्सलिस्ट एंटर कर दिया देन आपकी सारी एक्सेस लिस्ट क्या रिमूव हो जाएंगे इस फॉरवर्ड के ऊपर okay. और इस कमांड की गई आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं पूछेगा सिंपली क्या रिमूव कर देगा सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके लेट मी शो यू गई आई प्रेस एंटर लाइक आई से क्लियर कन्फिगर लिस्ट एंड नीम सो इफ यू सी लाइक शो एक्सेस लिस्ट ओके तो लाइक like इस नेम से अब कोई भी एक्सेस लिस्ट क्या कन्फ़िगर नहीं है फॉरवर्ड के ऊपर दिस कमांड दिस कमांड विल नॉट गिव एनी नोटिफिकेशन ओके लाइक आर यू श्योर सिंपली लाइक ओके आपकी सारी कंफ्यूगेशन क्या रिमूव हो जाएगी ओकेट मे गाइटर दिस ए सी एल एंट्री अगेन एंड अगेन वी नीड टू अप्लाई ऑन माइ इन साइड इंटरफेस ओके इन इन बाउंड डायरेक्शन ओके सो एक्सेस लिस्ट

बट इन केस करते हो टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन ये आपकी क्या कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है एज ए टोल डू गो ए सी एल है इट इज यूज टू फिल्टर द्लान ट्राफिक आप चाहते हो फायरवुड के आई पी एड्रेस क्या पिंग ना हो उसके लिए आपको सिंपली आपको ग्लोबल आई सी एम पी क्या डिनाई करना पड़ेगा आईसीएम पी डिनाई एनी स दिस मीन कोई भी आपके फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेस को कैपिंग नहीं कर सकता दिस कमांड टू यूज टू डिनाई द आईसीएम ट्राफिक ओके फायरवॉल इट्स हेल्प, ओके तो ये ट्रैफ़िक, लाइक जो फायरवॉल को आ रहा है जिसको हम कंट्रोल प्लान ट्रैफ़िक बोलते हैं आ, ये अगर आपको आईसीएम ट्रैफ़िक ब्लॉक करना है तो आपको ये कमांड कंफिगर करनी पड़ेगी तो ये ICMP गाइस आपका ट्रैफिक ACL के थ्रू नहीं होगा आपका ओके लुक एट प्रेस एंटर गाइस इस केस में यू सी लाइक अर्लियर वी वर एबल टू पिंग द फायरवॉल आईपी एड्रेस बट नाउ यू सी लाइक हम फायरवॉल के आईपी एड्रेस को क्या पिंग नहीं कर पा रहे ओके सो अगेन गाइस लाइक मैं ICMP ट्रैफिक के मैं अलाउ कर रहा हूं ना से परमिट आईपी एनी इनसाइड so show run icmp and i believe i like this isko mereko remove karna padega so we have two entries okay no icmp inside so now show run icmp so this is a feature of like you see like in cisco ios we use show, mainly show run यहाँ पे गए लेकिन आप टॉपिक वाइज आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो शो रन राउट अगर आपको राउटिंग कन्फ्योगेशन चेक करनी है शो रन लेकेर बेस ए शो रन एस एस एच कोई भी आपको स्पेसिफिक कन्फ्यूगेशन चेक करनी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो अदर थिंग आई लाइक इफ यू रिमेंबर लाइक इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अगर आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है रिगार्डिंग एनी टॉपिक ओके शोर एंड ऑल दिस इज अ कीवर्ड वर्ड लाइक वी नीड टू यूज ओके एस लाइक इफ यू सी अगर मैं सिंपल श्योर एंड एस यूज करता हूँ तो इस केस में लाइक वी सी दिस ओनली थ्री कमांड ओके ये मेरे को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा बट श्योर एंड ऑल से क्या आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी क्या शो होगी रिगार्डिंग द एस एस एच ओके

And line number is a sequence number. Okay, if you want to create this new entry at the top, you will mention line one. Then permit ICMP. Let's say for the whole subnet, okay. I want to allow the ICMP traffic. So 182.168 or 10.0. Then guys, the subnet mask value we need to define. If you use a question mark, guys, we have subnet mask use karnia, not the wildcard mask. Okay, टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव एंड डेस्टिनेशन ले एनीस लिस्ट ओके दिस विफिकेशन कमांड वी हैव अ टू लाइन एंट्री ओके लाइन वन एंड लाइन टू दर्स्ट लाइन क्या आईसीएमपी ट्राफिक अलाउ कर रही है फॉर दिस होल्स ऑफ लेट और सेकेंड एंट्री मेरी क्या सिंपलिट टीसीपी टैल सर्विस को क्या अलाउ कर रही एंड इफ यू गो टू मशीन अगेन इफ एट 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 ये कनेक्टिविटी मेरी क्या थ्रू होगी सो इज लाइक एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट और शो एक्सेस लिस्ट के दोनों के बीच में क्या फर्क है शो रन विल शो यू लाइक व्हाट यू कॉन्फ़िगर दिस वि वेरिफिकेशन ओके जो भी ट्राफिक है दिस इज आउटपुट फ्रॉम योर रनिंग कन्फिगेशन दिस इज द एक्चुअल वेरिफिकेशन कमांड टू सी लाइक आपका ट्राफिक ए सी एल एंट्री को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा ओके सर Any other guys' question? Okay, so now guys, like now I showed you like what is the uh, uh, stateful packet filtering? Okay, in deep. So let's say guys, like I will also create one new ACL entry. Okay, let's say access list. The name is outside. Inbound direction, okay, and deny IP and this ACL I'm going to apply on my outside interface. So access group ACL name outside in direction is inbound and interface is outside. So show run access group, okay. So now, like we have a two ACL. लाइक वन वी हैव अप्लाईड इन बाउंड इन साइड इंटरफेस एंड वन वी हैव अप्लाइड ऑन द आउटसाइड इंटरफेस इन बाउंड ड्रैक्शन सो इस वोल है वो क्या है स्टेट फुल पैकेट फिल्टरिंग करते हैं लेनेक्टिविटी इनिशियट करोगे फ्रॉम दिस सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी आप, आई के आपका 8.8.8.8 और लेस से गाइस आप जो कनेक्शन इनिशिएट कर रहे हो टीसीपी 10 लेटो के तो सोर्स पोर्ट गाइस क्या होगा आपका रैंडम जनरेट होगा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा आपका 23 तो इस केस में अगर कोई ट्रैफिक हिट करेगा इस इंटरफेस को तो वो एसीएल की एंट्री चेक होगी आपकी क्योंकि तो इनबाउंड डायरेक्शन में क्या आपका एसीएल लगा हुआ है इस इंटरफेस पे जो ओलेटी गाइज right हमने क्या है ये सर्विस क्या क्या अलाउ कर रखी है ये ट्रैफिक आपका क्या हो जाएगा पास हो जाएगा जब हमारे पास रिप्लाई ट्रैफिक आएगा गाइज तो रिप्लाई ट्रैफिक में क्या हो जाएगा ओपोजिट हो जाएगा सोर्स आईपी क्या हो जाएगा आपका ए डॉट ए डॉट एट सोर्स क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी थ्री डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा आपका वन एटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट हंड्रेड और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा आपका रेंडो पोर्ट तो इस केस में गई जब आपका हिट करेगा इस इंटरफेस को तो इस इंटरफेस पे भी क्या है इन बाउंड एसीएल लगी हुई है तो आपको ये ए सी एल आपकी चेक नहीं होगी द तो रीजन जो इसका रिटर्न फ्लो है उसकी एंट्री मेरे पास क्या है कनेक्शन टेबल में है ओके तो रिटर्न ट्रैफिक के लिए ऑलवेज क्या पहले कनेक्शन टेबल चेक होगा आपका अगर वो आपका एग्जिस्टिंग सेशन है तो इस केस में गई ये आपकी एसीएल चेक नहीं होगी डोंट कंफ्यूज गाइस आपको क्या रिप्लाई ट्रैफिक पे के लिए भी आपको क्या है एसीएल में एंट्री करनी पड़ेगी इस केस में गाइस अगर आप सिस्को राउटर यूज करते इनसे ऑफ़ ऑफ फायरवॉल गाइस अगर आप सिस्को एएसए राउटर में एसीएल यूज करते जो कि आपकी क्या है स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग करता है लेट्स से कि लाइक वी हैव अ सिस्को राउटर एंड वी हैव अ टू इंटरफेस ओके व्हिच इज लैन एंड वैन इंटरफेस लाइक वैन इंटरफेस पे भी ए सी एल अप्लाई कर रखी है इन बाउंड और लैंड इंटरफेस पे भी ए सी एल कर रखी है इन बाउंड सो इनकेसको राउटर है स्टेट लेस पैकेट फिल्टरिंग सो सेम फ्लॉग इज अगर लाइक वन एंटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट हंड्रेड सोर्स पॉट इज वन जीरो जीरो वन

कनेक्शन बिल्ड नहीं होता जैसे फॉरवर्ड में होता है तो इन द प्रीवियस वीडियो आई शो यू द कमांड शो लोकल होस्ट ओल ओके तो इस केस में गई लाइक राउटर के केस में क्या है आपको अगर आपका इन बाउंड एसी लगी है आपकी वैन इंटरफेस पे तो इस एसी में भी क्या है आपको ट्राफिक का परमिट करवाना पड़ेगा यू तो सी लाइक इन केस अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ इवन दो गई लाइक ऑन माई आउटसाइड इंटरफेस जो हमने ए सी एल कन्फिगर कर रखी एनी एनील अगर गई तो मैं इस मशीन पे कनेक्टिविटी चेक करता हूँ टेन लेड ये कनेक्टिविटी मेरी क्या थ्रू है इफ यू सी गई शो लोकल होस्ट ओके तो अगर मेरे पास रिटर्न ट्राफिक आता है और रिटर्न ट्राफिक में सोर्स आई पी कैट दिस डेस्टिनेशन आई पीट दिस ये कही जी इसकी मेरी एंट्री क्या है कनेक्शन टेबल में है स्टेट फुल टेबल में है तो सबसे पहले स्टेट फुल टेबल चेक करूंगा ना कि ए सी एल दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट फुल पैकेट फिल्टरिंग एंड स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग ये गई एनी क्वेश्चन एक्सेस लिस्ट और एक्सेस एक्सेस लिस्ट गाइज इफ यू सी शो रन एक्सेस लिस्ट एंड शो रन एक्सेस ग्रुप लाइक एक्सेस लिस्ट में क्या है हम एंट्रीज डिफाइन करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट ओके तो नई नई मैं एंट्री एड करता रहूंगा ये uh, गाइज आपकी क्या सिर्फ है सिर्फ वन टाइम कन्फिग्रेशन है लाइक एक्सेस एक्सेस लिस्ट देन का नेम नेम आपका सेम ही रहता है ओके okay? और उसके बाद आपको ये अप्लाई करना होता है इंटरफेस के ऊपर तो ए एस सी क्या है हम इंटरफेस के ऊपर नेम डिफाइन करते हैं वो नेम ही यूज करते हैं बट आईओएस में क्या है अंडर द इंटरफेस हम अप्लाई करते हैं आईपी एक्सेस ग्रुप देन इनबाउंड और आउटबाउंड ओके सर एनी क्वेश्चन गाइस वेरी बेसिक थिंग ओके लाइक टुमारो डेफिनेटली जो ए सी एल टॉपिक है अगर आपको ए एस एफ आर पे अगर आपको वेबसाइट भी ब्लॉक करनी है तो ए सी एल के थ्रू भी आप कर सकते हो सो विल सी डेफिनेटली वी सी दिस थिंग ओके ऑन जो कि राउटर पे नहीं कर सकते ए सी एल के थ्रू एनी क्वेश्चन प्रवोद

सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं नाम डिफाइन कर दूंगा लेट्स से डिपार्टमेंट देन अंडर दैट ऑब्जेक्ट ओके आई विल कॉल दिस सबनेट उसके बाद जब हम ए सी एल एंट्री क्रिएट करेंगे इनस्टेड ऑफ़ द आई पी एड्रेस वी विल यूज द नेम ओके क्योंकि नेमिंग ज़्यादा ईजी है रिमेंबर करना या कल को अगर कोई नया इंजीनियर आएगा वाया सींग द नेम ओके उसको पता चल जाएगा ये सबनेट क्या एच आर के लिए है तो एच आर के लिए हमने ये ट्रैफिक अलाउ किया हुआ है जो मेरा कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंने ये ट्रैफिक अलाउ किया हो ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द ऑब्जेक्ट ग्रुप ओके एंड दैट ऑब्जेक्ट ग्रुप वी विल यूज इन द एसीएल एल सी यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट वी नो